फूड अथॉरिटी वालों ने पहलवानों को नौकरियां दी है कि मिलावट वाली चीजों को चख के पहलवान बताएगा कि गलत है या ठीक है। और चखने चखने में ही गंगी पहलवान ने 5-6 दुकानें खाली की है। अब शिकायत हो गई है जी पहलवान तो चखते चखते माल सारा खत्म कर जाते। भाई पहलवान ने अपने हिसाब का चखना है, उन्होंने 2-3 किलो च नहीं समझ आती मिलावट की, तो किवें फैसला दे दे। आप चखने के लिए गगी पहलवान को ना भेजें, इस पहलवान को भेज दें। शाबाश, जिन्हों खुराक लगती नहीं उन्होंने भेज दी, वो खुराक लगे भी तो सही ना पिंडे पता भी तो लगे मिलावट है या नहीं। खैर खलीफा जी तो 5 किलो जलेबियां खाने के बाद सिर्फ इतना बताते हैं फिक्की हैं कि मीठी हैं, मिलावट की बात तो बाद की है। एक दफा शादी हाल में ले गए हैं पहलवान को, फूड अथॉरिटी वाले मिलावट चेक कर ले, यकीन माने जब पहलवान ने कहा नहीं मैं खालस है हर चीज आ जाओ चलिए, उसके बाद फिर अद्धी जंज ने कहा कि आ जाओ जी चलिए, चुके अद्धी जंज की रोटी से पहलवान खा गया जी। जुनेस साहब सरवर लस्सी की ये क्वालिटी है कि वो फूड सूंघ के बता देता है कि ताजा है कि बासी है। आए, लस्सी पहलवान तो सिर्फ सूंघ की वजह से भरती हुआ है, सूंघ बड़ी तेज है पहलवान की, नजला जुकाम वाले दिनों में छुट्टी पे होता है। बस दुआ करे पहलवान का नाक मुस्तकिल बंद ना हो वरना नौकरी बंद हो सकती है। अच्छा ये कभी पहलवान को शादी ब्याह की तकारीफ और मजे मजे की जो फूड्स हैं वो चखने की ड्यूटी देते हैं, अगर किसी दिन फूड डिपार्टमेंट वालों ने इनको ये जो फूड में केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो चखने पे लगा दिया फिर वो पहलवान को चखने के लिए रखा ही इसलिए है कि केमिकल पहलवान के मेदे पे असर नहीं करता। कई यार तो पहलवान शीरा समझ के केमिकल का डब्बा पी गया और डकार मार के सो गया, महकमा समझ रहा है पहलवान गुजर गया, पहलवान 5-6 घंटे बाद उठ के फिर कह रहा है कि पक्का है, फ्रूट मार्केट में फ्रूट चेक करने जाता है, उनके डेकोरेशन वाले प्लास्टिक के फ्रूट भी खा जाता है और मसनूई फ्रूट खाने के बाद कहता है खादा ने फ्रूट का जायका ही मार देता है, और मिट्टी के चार दुआने खा के फ्रूट वाले को मारना शुरू कर दिया, कच्चे ही कुट लिया। बोले क्या पहलवान वो कच्चे नहीं है मिट्टी के हैं मसनूई, वो तुम मिट्टी के दुआने खा गए हो, कहता कोई बात नहीं आखिर मिट्टी में ही जाना है। बाबू जी खान पीन का तो एडा शौकीन जे गगी पहलवान गुर्द नूं निपल लवा के दुध का भराण लगा।